हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हुआ नाती नबी का ये असर आहिस्ता आहिस्ता मुनव्वर हो गए कल्बो जिगर आहिस्ता आहिस्ता। अभी दुनिया को तहकीको तजस्सुस और करने दो, समझ में आएगा शक्ल कमर आहिस्ता। बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं, बस इसी अंदाज में आप सुनते रहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए हिंदुस्तान का मायना शायर जो अब शेर व शायरी के मैदान में अपनी अलग पहचान रखता है, जिसे दुनिया बादशाह जनाब भाई शकील नारसी के नाम से जानती है। आप हजरात ने बहुत अच्छे अंदाज में कलाम समाप्त किया, साथ ही साथ आप देख रहे हैं शेरी फलक पर चमकने वाला वो कोहिनूर है, हमारा वो कोहिनूर सितारा, जिसे दुनिया मताहे रसूल शायरे बावसूल शायरे हिंदुस्तान जनाबे राही बस्तवी के नाम से जानती है। आप उनकी भी ज़ियारत कर रहे हैं, आले रसूल की मौजूदगी है। हजरत अभी का भाई शकील आरफी करबला के ताल्लुक से शेर पढ़ रहे थे, करबला के हवाले से, तो मेरे जहन में एक चार मिसरे आ रहे थे। अगर आप वाकई सुनना चाहते हैं तो जरा लहक के बोलते या हुसैन, जिनको इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है वही बोलेंगे या हुसैन। जरा अपनी आवाज को खोलिए, अपनी आवाज खोलिए, लहक के बोलिए या हुसैन। बहुत प्यारे अंदाज में किसी शायर ने बहुत पहले कहा था, हाथों को तुम उठाओ तो फरियाद के लिए। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। हाथों को तुम उठाओ तो फरियाद के लिए, मौला जरूर आएंगे इमदाद के लिए। हाथों को तुम उठाओ तो फरियाद के लिए, मौला जरूर आएंगे इमदाद के लिए। नस्र तेरी तरबे की औलाद के लिए, असगर ने मुस्कुरा के कहा सुन ले हुरमला, असगर ने मुस्कुरा के कहा सुन ले हुरमला, अब नस्र तेरी औलाद के लिए। जो अहले फन है वो अहले हुनर में रहते हैं, शऊर वाले हैं, फिक्र नजर में रहते हैं। ए चांद तारो हमें क्या समझ रहे हो तुम, हसन हुसैन हमारे भी घर में रहते हैं। हजरत बड़ी अच्छी शायरी करके माइक से माइक करने जनाबे भाई शकील आरफी, और उससे पहले खतीबे लाजवाब हजरत मौलाना मोहम्मद आलम साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, और इस वक्त जरूरत है हजरत के हुक्म की शायरों पर अमल करते हुए मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ी देर के लिए नदवी माहौल मुलतवी किया जाए और नस्र के मैदान का कदम रखा जाए। इसके लिए खिताब के हवाले से मोहसिन मिल्लत हजरत सैयद बाबर इस्लाम अशरफ दहली चीफ ऑफ सूफी फेडरेशन जो दहली से तशरीफ लाए हैं स्टेज पे, जलवा को खसूसी तौर पे हसन मियाँ साहब, रिजवान मियाँ साहब, अजीजी सैयदी मियाँ साहब, जनाब आलम साहब, अल्लू वारसी साहब, हजरात मैं न मुकर्रर हूँ और ना जल्दी जलसों में जाना का मुझे मौका मिलता है, ना मैं स्टेज पर जल्दी जाता हूँ, लेकिन ये अल्लू वारसी साहब को आप दुआ दें कि गुज़िश्ता एक महीने से मुझे स्टेज कर रहे हैं और वो यहाँ तक लाने में मुझे कामयाब हो गया। बेशक 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 आप इस जलसों में सरकार के इश्क अहले बैत अतहार से मोहब्बत, सहाबा इकराम से अपनी बलबलबला अकीदतें, औलिया इकराम से अपनी नस्बत के ताल्लुक से, उलमा और मशायखीन से हर वक्त जो हमारा ईमान है, जो जुज है जिस पे हमारी बुनियाद खड़ी हुई है। लेकिन आज मैं आपसे दिल की गहराई से वादा लेना चाहता हूँ कि जितनी देर में 10 या 15 मिनट या 5 मिनट बोलूँगा आप खामोश रहेंगे, और इस वक्त आप ये समझेंगे कि मैं कुछ मर्ज जानता हूँ जिसका इलाज करना चाहता हूँ, और आप मरीज हैं और आपको ये जानना जरूरी है कि इलाज कैसे हो।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم ذكر الله تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے میرے دوستو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں اس بات کو نہیں فرمایا کہ ہاتھ کے ذکر سے قلب کو اطمینان ہوتا ہے قرآن کریم میں وہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے بات بہت چھوٹی سی ہے لیکن اگر آپ کو کسی بات سمجھ میں آ جائے گی تو زندگی کا فلسفہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ جو دل ہے قرآن کریم کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر جسم کے کسی عضو پہ کسی کا کنٹرول ہے جو کسی کے کہنے سے نہیں چلتا تو وہ صرف قدرت الہی ہے وہ اللہ کی ذات ہے وہ تابع ہے صرف اللہ کی اور اس کا ٹیسٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یہی پہ تو آپ ایسے ٹیسٹ کریں کہ آپ اپنے دل سے کہیں کہ اے دل تو دھیمے چل اے دل تو دھیمے چل وہ دل دھیمے نہیں چل آپ اس دل سے کہیں اے دل دل تھوڑا تیز چل وہ تیز نہیں چلے اس لیے کہ یہ صرف خود اس کا وجہ لاتا یہ اس کے حکم سے چلتا اس پہ حکمت اس کی چلی یہ ہمارے حکم کے مطابق نہیں چلتا لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اے آپ ذرا سا چھپک لے تو یہ فوراً جھپک جاتی ہے کیونکہ اس کو جو کمانڈ ملتا ہے وہ اس ذہن سے ملتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں اے ہاتھ تو اٹھ جا یہ فوراً حرکت میں آ جاتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں اے قدم تو بڑھ جا تو وہ بڑھ جاتا ہے اس لیے یہ کمانڈ ریسیو کرتا ہے ذہن سے میں بتانا کیا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ اللہ رب العزت نے صاف فرمایا کہ اے لوگوں تم اللہ کا ذکر کرو جس سے یہ قلب پاک ہو جائے اور یہ تمہارا ذہن جو ہے وہ قلب کے اختیار میں رہے اس قلب کو بادشاہ بنا کے بھیجا ہے اور وزیر ہے تمہارا یہ ذہن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں بہت خوبصورتی سے سنیے گا پھر میں اپنے سبجیکٹ پہ آؤں گا یہ بادشاہ ہے اور یہ وزیر ہے اگر یہ وزیر اس بادشاہ کے کنٹرول میں رہتا ہے یعنی حکم الہی کے مطابق اس ذہن کا سنچالن ہوتا ہے یہ ذہن چلتا ہے تو آپ کی دنیا حسین ہوتی ہے اور آپ کی آخرت بھی حسین ہوتی ہے لیکن جب یہ دل مردہ ہو جاتا ہے اور یہ وزیر سلطان بن جاتا ہے یہ وزیر بادشاہ بن جاتا ہے اور اس دماغ میں آپ کو ناز ہونے لگتا ہے کہ میں نے اس دماغ سے دولت حاصل کر لی ثروت حاصل کر لی پوزیشن حاصل کر لی بادشاہت حاصل کر لی تو آپ گمراہی کے راستے پہ چلے جاتے ہیں دولت تو حاصل ہو جاتی ہے دنیا تو مل جاتی ہے آخرت ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے میرے دوستو اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے دل کے تابع اس پہ آپ کو رکھا جائے اور جب آپ اور یہ دل کیسے رہے گا وہ حکم الہی کے اختیار میں جب چلے گا جب اس پہ خوف خدا ہوگا اور وہ کیا ہے وہ بہت صاف سا ہے یہ جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اتق اللہ اللہ سے ڈرو تو لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں تو میں اس سے کہتا ہوں کہ نماز کا وقت آیا نماز پڑھی
क्या रमजान का महीना आया, रोजा रखा, क्या साइबे इस्तेताक से तुमने हज किया, क्या साइबे हैसियत से तुमने जकात दी? तो कहते नहीं, तो फिर अल्लाह से कैसे डरते हो? उसका हुक्म नहीं बजा रहे हो और ये क्लेम करते हो कि तुम अल्लाह से डरते हो। मेरे दोस्तों, शायद हमने इस दिल को पाक होने और इस दिल की सुनने बंद कर दिया, जिसकी वजह से और इस दिमाग पे हमने छोड़ दी अपनी सल्तनत, जिसकी वजह से हमारा घर, हमारा माशरा और सारी दुनिया हमारे हाथ से निकल। मैं बताना चाहता हूँ, आज आपके सामने एक वाकया पेश कर रहा हूँ, उसको सुनिएगा और उसके बाद आप उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। सुल्तान महमूद जब कुस्तुनतुनिया की रोम को फतेह करने के लिए जब पहुंचा और जब शहर के बाहर खड़ा हुआ, तो कुस्तुनतुनिया के अंदर पादरियों की जमात एक चर्च के अंदर इकट्ठा हुई और उसने दुआ करनी शुरू की। सारे पादरियों ने कि रब्बे कदीर, आज ये लोग जो इस शहर को घेरे हुए हैं, आज ये लोग जो इस शहर से फतेह पाना चाहते हैं, आज ये लोग जो इस शहर पे कब्जा करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारी दुआएं मकबूल हो जाए और इन पे खुदा का कहर नाजिल हो और ये हमारे शहर पे कब्जा ना कर पाए। उनके पादरी का जो हेड था, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा, उनके पादरी का जो हेड था, उसने कहा अपने ही डिप्टी पादरियों से कि सुनो सुनो सुनो, जो कौम आज बाहर खड़ी हुई है शहर के, वो कल जब इस शहर में दाखिल होगी तो वो फतेह पाएगी, और जब इस शहर में दाखिल होगी तो मैं पहला शख्स होऊंगा जो कलमा पढ़ूंगा, मैं पहला शख्स होऊंगा जो कलमा पढ़ूंगा। तो उसके सारे पादरी कहते हैं कि तुमने इतने अरसे तक हमारे दीन की चर्चा की, इससे अरसे तक कमांडर किया, इससे अरसे तक तुम हेड रहे, आज तुम ये कहते हो कि वो कौम जो शहर के बाहर खड़ी हुई है जब वो दाखिल होगी तो मैं उसका कलमा पढ़ूंगा और उसके साथ हो जाऊंगा, उसकी क्या वजह? तो उस पादरी ने उस कौम को, जिसका ताल्लुक जो अपनी निस्बत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बताते हैं, उसके उसने 24 पॉइंट बताए, मैं वो 24 पॉइंट आपको बताता हूं। और उसने कहा कि जिस कौम में ये 24 क्वालिटी होती है वही जिंदा कहला सकती है, और जो बाहर शहर के बाहर जो फौज खड़ी है इसमें ये 24 क्वालिटी पाई जाती है, इसलिए मुझे यकीन है कि जब ये शहर में घर दाखिल होंगे तो इस शहर से फातेह पाएंगे। मेरे दोस्तों, वो हमारे ही भाई और ब्रदर थे, वो हमारे ही लोग थे, वो हमारे ही का झंडा उठाने वाली फौज थी जो शहर से बाहर खड़ी थी। उन्हीं ने जो नुकतात बयान किए वो बड़े गौर से सुने, उनके मकासिद जो से 24 बताए तो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और जब तक याद रखिए, जब तक आप अपने अंदर ये तब्दीलियां नहीं लाते तो ये हजारों जलसे बेकार है, ये हजारों तकलीफ बेकार है, ये हजारों महफिलें बेकार है। हमें अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने अंदर तब्दीली लानी है। सबसे पहले अपनी तब्दीली, फिर अपने घर की तब्दीली, और जब हमारी और हमारे घर की तब्दीली होगी तो अपने आप माशरा अच्छा हो जाए। मेरे दोस्तों, वो क्या है वो आप बड़े गौर से सुनो। वो पादरी कहता है कि उनके लिए जिंदगी से बढ़कर का मकसद होता है, जो बाहर कौन खड़ी है उसके बारे में कह रहे हैं, ये जो बाहर लोग खड़े हैं इनके लिए जिंदगी से बढ़कर इनका मकसद होता है, उन्हें जो चाहिए, उन्हें जो चाहिए वो अपने दिल के आईने में उस चीज को साफ साफ देख लेते हैं, फिर दिन के बहुत कम लम्हे को बर्बाद किए बिना वो कुछ ऐसा करते हैं कि अपने मकसद के वो और करीब हो जाए।
इनके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अफजलियत को वो अपने ऊपर लाजमी कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारा पैगंबर सबसे आला है, इसलिए हमारी कामयाबी भी सबसे आला होगी, लेकिन उससे पहले हमें मेहनत भी सबसे आला करनी है। ये अपने बच्चों को खाना खिलाने से लेकर किसी बुजुर्ग के जनाजे में मिट्टी डालने तक अपने घरों को सिर्फ बेहतरीन फलसफे और नसीहतें सुनाकर उनके दिलों में कामयाबी का जज्बा भरते हैं। फाका कशी होने पर पेटों पर पत्थर बांधकर तीन दिन तक भूखे रहकर ये कैसरो किसरा को जीतने का ख्वाब देखते हैं। इनके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन्हें बड़े ख्वाब के बारे में सोचने के बजाय ये सोच पे ज्यादा विश्वास रखते हैं कि अभी ऐसा क्या करूं कि मैं अब कामयाबी की मंजिल के और करीब हो जाऊं। ये किसी बेमकसद बात को नजने के बजाय एक छोटा बामकसद कदम उठाना पसंद करते हैं। ये अपने किसी भी अमल से ज्यादा फिक्र अपनी नियत को पाक रखने में करते हैं, क्योंकि इनके रब ने इनसे वादा किया है कि रोजे महशर में कुछ काम नहीं आएगा सिवाय एक पाकीज़ा नियतों से भरे कल्ब के। ये अपनी कमजोरियों पर इतनी मेहनत करते हैं कि वो कमजोरी इनकी ताकत बन जाती है, और जब वो ताकत बन जाए तो वो तब भी इस पर मेहनत करते रहते हैं। इस डर के मारे कि मेहनत छोड़ देने पर वो ताकत से कमजोरी न बन जाए। ये सब्र से मोहब्बत करते हैं और घमंड से दूर रहते हैं, और इनके रब ने इन्हें ताकीद की है कि हर उस शख्स के लिए जन्नत हराम है जिसके दिल में राई बराबर का घमंड हो। ये अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरे वक्त कुछ सीखने की नियत से खड़े रहते हैं। ये सीखने की किताब का हर पन्ना बड़ी हसरत और आरजू के साथ ये सोचते हुए कि अब कुछ और बेहतरीन सीखने के लिए मिलेगा। और इनके रब ने कुरान में वादा किया है कि हर शख्स को सिवाय उसकी चाहत के कुछ और नहीं मिलेगा। ये लगातार अपने बीते हुए पलों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपने मौजूदा पलों में न ये घबराते हैं न आने वाले कल की फिक्र करते हैं, बल्कि उस पे इस कदर जी भर के जीते हैं कि आने वाला कल और बेहतरीन हो जाए। ये मुश्किलात और जद्दोजहद को अपना जीवन मानते हैं। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी को सफों में बांट रखी है। एक सफे पर लिखा है, क्या हमारे बस में है हमारा गुस्सा, हमारा किरदार, हमारे जज्बात, हमारी नीयत, हमारी औलादे, हमारा कल्ब। इन चीजों की को खूब से खूब कर बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और दूसरे सफे पर लिखा है, क्या हमारे बस में नहीं है हमारा जिस्म, हमारा माल और दौलत, हमारी शोहरत, हमारी किस्मत, हमारी खुशियां और गम। यहाँ इन चीजों के फिक्र में अपना जरा सा भी वक्त जाया नहीं करते। ये अपने से बेहतरीन लोगों का बड़ी हसरत भरी नजरों से देखना, उनसे खूबतर बनने की कोशिश करते हैं, और ये अपने से कमतर लोगों को देखकर अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। इनके रब ने इनकी मुकद्दस किताब में कहा है, ये आंखें नहीं है बल्कि दिल है जो अंधे हैं, इसलिए ये हर चीज को अपने दिल की आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। ये रातों को उठकर अपने रब के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने आप से नसीहत आमेज बातें करते हैं। ये अपने आप से ताजिंदगी एक ही सवाल करते हैं, वो क्या है जो मैं गलत कर रहा हूं, वो क्या है जो मैं गलत कर रहा हूं। ये जमाने की फिजाओं में तैरती बातों को कुरान की कसौटी पर रगड़ रगड़ कर अपने आने वाले मसलों के लिए उसूलों में तब्दील कर लेते हैं। ये अपनी सोच को न सिर्फ जबरदस्त असूल सीरत और कुरान की रोशनी में बेहद मजबूत असूलों में ढालते हैं,
बल्कि उसे रोशनाई बनाकर अपनी जिंदगी में उतारने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये सिर्फ एक सवाल का मतलब तलाशने के लिए सफर करते हैं कि जिंदगी का मतलब क्या है और जिंदा होना किसे कहते हैं। ये मौत से नहीं डरते बल्कि ऐसी जिंदगी से डरते हैं जो इस्लाम के मुताबिक ना हो। ये अपना हर अमल इतनी दिलचस्पी या शिद्दत के साथ करते हैं जैसे मानो वो जिंदगी का आखिरी अमल हो। ये सोसाइटी से ज्यादा अपने परिवार की चिंता करते हैं और अपने परिवार से ज्यादा अपनी चिंता करते हैं। ये मानते हैं कि अगर ये अच्छे हैं तो परिवार अच्छा और अगर परिवार अच्छा तो माशरा खुद अच्छा हो जाए। ये अपने कल्ब की गहराइयों से छिपे अच्छाई के खजाने को दिन में कई बार कुरान की आयतों से खोलते रहते हैं। ये हमेशा अच्छा सोचते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि इंसान जैसा सोचता है उसकी रूह का रंग वैसा हो जाता है। ये मानते हैं कि केवल वही दौलत तुम्हारी है जो तुमने किसी और जरूरतमंद को दी है। आखिरी बार जो वो कहता है, इनके पास एक मुकद्दस किताब है कुरान, जिसमें आज तक गुजरे बेहतरीन आदर्श हस्तियों के जद्दोजहद और कामयाबी से जुड़े बेहतरीन किस्से हैं। इनकी किताब में कामयाबी से ज्यादा स्ट्रगल के बारे में बताया गया है और इनके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इन्हें वो औलियाए मुसलीम के कितने मोती दिए हैं बल्कि खुद अपनी हयात तैयबा को सबसे चमकदार कोहनूर बनाकर उनके सामने पेश किया है। और आखिरी बात जो उसने कही वो सुनिए और फिर बड़ी आजिज़ी के साथ फिर ये बड़ी आजिज़ी से दिन में 5 बार अपने रब के सामने पहले ये नमाज पढ़कर इतना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम कहते हैं और फिर अपने रब के सामने सजदारेज हो जाते हैं। ऐसी कौम जो दिन में 5 मरतबा अपने से पहले आई नसीहतों स्ट्रगल हार्ड वर्क और ऊंचे निर्धार और आजमाइशों को इतनी आजिज़ी से याद करती हो उसे जीता नहीं जा सका। ये 24 मिसाल उसने उन क्रिश्चियंस को बताया कि ये जो कौम बाहर खड़ी है इनमें ये क्वालिटीज हैं और उसको नसीहत की कि मैं तुमको एक नुस्खा लेके जा रहा हूं। अब वो नुस्खा ये है कि इन क्वालिटीज में से जब तक अपनी कौम में 15 क्वालिटीज न ले आना, इन 15 नुकात के ऊपर तुम अमल करना शुरू न कर देना तब तक तुम मुसलमानों पे हमला करने की जुर्रत मत करना। मेरे दोस्तों मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इस 24 साल पे अमल करने वाली कौम ने उन लोगों ने पूरी दुनिया में फतेह हासिल की और हर जगह पे इस्लाम का परचम बुलंद किया। आज जो लोग हुकूमत कर रहे हैं उन्हीं ने इसी फलसफे को अपनाया और इस 24 में से 15 नुकात के ऊपर यहूद और नसारा काम कर रहे हैं और हम इस 24 में से 0 पे आ गए। अगर खुदा की कसम हमको अपनी वकार अपनी इज्जत अपनी खोई हुई पहचान अपने वजूद को वापिस लाना है तो मेरे दोस्तों तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा मॉडल नहीं, कोई दूसरा तरीकेकार नहीं है, कोई दूसरा वेपन नहीं है, कोई दूसरा टूल नहीं है जिससे तुम अपनी खोई हुई विरासत को वापिस ला सको।
آقائے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کھانا ہوگا، تمہاری تجارت ایسی تجارت ہو جس سے عبادت تھلکنے لگے، تمہارا زندگی گزارنے کا حل پل ایسا ہو جو غلامان محنت کی یاد دلاتا ہو۔ میرے دوستوں، ہم اگر دودھ کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں، ہم اگر اپنی دکان پہ بیٹھ کر پیسے زیادہ حاصل کرنے کے لیے کھٹولی کرتے ہیں یا مکسنگ کرتے ہیں، ہم اگر کسی سرکاری منصب یا پوزیشن پہ بیٹھ کر اگر عوام کو ڈھونڈنے کا کام کرتے ہیں، ہم اگر تعلیم کے نصاب کو نافذ کرنے یا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے بہانے اپنے علم کو بیچ کر لوگوں کو گھومنے کا کام کرتے ہیں، تو کیسے اپنے آپ کو غلامان محمد کہہ سکتے ہیں؟ پانچ وقت کی نمازیں، تمہارا جلسے میں حاضر ہونا، تمہارا نعرہ لگانا، تمہارے یہاں پہ رات پر بیٹھنا، تمہارا کوئی بھی ارکان، خدا کی قسم میں بڑی ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک مقبول نہیں جب تک تم اپنے دلوں کو ڈوب دانا کر لو، تم اپنے دلوں کو زندہ رکھ لو۔ اور دل زندہ کب ہوگا؟ جب تمہاری زندگی کا ہر لمحہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کے مطابق، تمہارا ہر ہر طریقہ کار ان کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ میرے دوستوں، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ حضرات کے بیچ میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی طریقہ کار تمہارے پاس نہیں ہے جس سے تم اپنی پوزیشن کو واپس حاصل کر سکتے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کا مستقبل، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے واقعی عزت کی زندگی اس ملک سے پائے، تو صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ تعلیم حاصل کرو، اور جیسے بھی ہو پریشانی جھیلنی پڑے اس پریشانی کی جھیلو، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تمہارے اسلاف نے چاہے وہ اہل بیت اطہار کے تعلق سے کہتے ہو، چاہے نبی کے تعلق سے کہتے ہو، چاہے اولیاء کے تعلق سے کہتے ہو، کسی نے آرام کی زندگی نہیں گزاری۔ ایک کریکٹر، ایک شخصیت، ایک ذات تاریخ میں نہیں دکھا دیتے جس نے اپنی زندگی کمفرٹ زون میں گزاری، آرام میں گزاری، ساری زندگی اسٹرگل کیا۔ اگر تخت پہ بھی بیٹھے، تو انہیں نے جہاد کیا، اور آپ کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسول خلق، نعرہ رسالت، اولاد رسول، آل رسول۔ حضرت سلمان میاں صاحب، سلمان صاحب میں بڑے ادب کے ساتھ آپ حضرات کو زندگی کے درد کو شیئر کر رہا ہوں۔ یقین مانیے ہمیں مبتلا رہیں گے اور اس مرض کو اپنے دلوں میں پالتے رہیں گے تو ترقی آپ سے دور رہے گی، عزت آپ سے دور رہے گی، منصب آپ سے دور رہے گی۔ آپ چاہتے ہو عزت آپ کی جوڑی پہ پہنچے، منصب آپ کی جوڑی پہ پہنچے، تو صرف ایک طریقہ ہے،
वो है सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारना और जो मैंने 24 उसूल बताए हैं उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना। कुरान करीम में बहुत साफ कहा गया है रब्बना अतिना दुनिया हसना वफिल आखिरत हसना। बहुत साफ सी बात है जब तक तुम्हारी दुनिया हसीन नहीं होगी उस वक्त तक आखिरत हसीन नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों दुनिया हसीन से बहुत साफ मुराद है कि तुम जहाँ पे भी हो अगर प्रधान हो तो इंसाफ करो, अगर विधायक हो तो इंसाफ करो, किसान हो तो इंसाफ करो, दुकानदार हो तो इंसाफ करो, उलमा हो तो इंसाफ करो, यानी हर जगह से तुम्हारा तरीकेकार ऐसा हो कि तुम गुलामे मोहम्मद कहलाओ, डॉक्टर हो इल्म हासिल करके एमडी डॉक्टर हो गए हो तो ऐसा नहीं है कि 500 रुपए फीस लो, 500 रुपए तुम टेस्ट के लो, 500 रुपए दवा में कमीशन लो। मकसद ये है कि उस इल्म से खिदमत खल्क हो। और जब हमारे असलाफ ने इल्म को हासिल किया और खिदमत खल्क की और हक के साथ रहे उन्हीं ने दुनिया में कामयाबी हासिल की। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हम शायद हमारा जाहिर इस्लाम की तरफ है लेकिन हमारे बातिन का मूवमेंट इस्लाम की तरफ नहीं है। और जब तक हम अपने कल्ब को नहीं बदलेंगे और उसकी तालीमात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, याद रखिए ये नाच की महफिलें, ये तकरीर की महफिलें, ये जलसे होते रहेंगे लेकिन जो डिक्लाइन है जिंदगी में, जो पस्ती की तरफ जाना है, जो रोज हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, नहीं रुकेंगे। उसकी वजह यह है कि माशरा जब तक अपने अंदर सलाहियत पैदा नहीं करेगा, जब तक वो अपनी जिंदगियों में तब्दीली नहीं लाएगा, उस वक्त तक आप अपनी मंजिलों को हासिल नहीं कर सकते। मैं इन अल्फाजों के साथ रुखसत होता हूँ और ये कहते हुए ये ऐसी वफा करो कि वफा बोलने लगे मुट्ठी में कंकड़ी खुदा बोलने लगे बाखुदा अनंत। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।